हे गाइस, हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोर इन वन में वेलकम है। और अभी 6:30 का टाइम हो रहा है इवनिंग का। मैंने सारे ढेर सारे बर्तन वॉश करके रखे, पानी निकल चुका, मुझे इनको स्टैंड पे लगाना। और मैंने आज थोड़ा भी चाय नहीं बनाया, मुझे अपने लिए एक कप चाय बनाना। उससे पहले मैं बर्तन अरेंज कर दूँगी, फिर मैं चाय बनाऊँगी। और मैं आज बहुत ही अच्छी चाट रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दही बूढ़ी। आई होप आपको पसंद आएगा। गर्मियों में ऐसा कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है और मिनटों में बन के रेडी हो जाता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। गर्म पानी होने के लिए रखा है, मतलब मैं इसको अभी बॉईल करके रख दूंगी और सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हम लोग बॉईल्ड वाटर पीते हैं क्योंकि हमारे घर में आरओ या फिल्टर वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मेरा चाय बन के रेडी हो गया। ये दूध का भगोना था एक्चुअली, थोड़ा इसमें दूध बचा हुआ था, मुझे भगोना वॉश करना था। आई थॉट इसके अंदर चाय बना लिया जाए और फिर मैं इसको एक साथ वॉश कर दूँ, तो आज मैंने इसी में चाय बना लिया है। यहाँ पर मेरा चाय बन के रेडी हो गया है और बच्चे इनको भी साथ ही साथ में उनका दूध दे दूँगी। और देखिए अभी शाम के 7 बजे हुई और फिर भी देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है, मतलब जैसे 5 ही बजे हों अभी। वैसे सबका लाइट ऑन हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, बट बिल्कुल ही इतना गर्म रहता है ना, और जल्दी से भी अब अंधेरा नहीं होता है, 7 बजे के बाद ही होता है, 7:30, 7:40, 7:45 तभी जाके अंधेरा होता। बहुत गर्म हो रहा है बॉम्बे में भी। चाय पी के हो चुका है और अभी मुझे बनाना है चाट। और चाट के लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी पहले से ही करके रखी है। मुझे चाट के लिए पटेटो चाहिए, तो मैंने पटेटो बॉईल कर लिए, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा जो चॉपिंग वगैरह मुझे करना है, मैं चॉपिंग कर लूँगी और ये चाट मिनटों में बन के रेडी हो जाते हैं, तो आइए बनाना स्टार्ट। आजकल बहुत गर्म हो रहा है और इस किचन की विंडो में एडजस्ट फैन अभी तक नहीं लगाया है हम लोगों ने, तो मतलब बिल्कुल ही हवा नहीं आता है इसमें, बहुत गर्म होता है। हमारे पास टेबल फैन था, मैंने वो उठा के इस विंडो में लगा लिया है, इस तरफ उसका हवा कर लिया, क्योंकि मुझ पर काम ही नहीं होता है। शाम के टाइम बहुत ही गर्म होता है, इसलिए मैं फ़ैन ऑन करके अभी अपना काम करूँगी। ये देखिए मैंने उठा के यहाँ पे लगा लिया है और इसका अभी मुझ पे हवा आएगा। एक्चुअली बहुत ही गर्म हो रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे रख लिया है। चॉपिंग करके रख लिया, जिसमें ग्रीन चिल्ली है, हरा धनिया है, ऑनियन है, मैंने बिल्कुल ही फाइन चॉप किया इसको, क्योंकि हमें ये चाट के अंदर ऐड करना है, तो मोटा मोटा नहीं चाहिए, बिल्कुल फाइन चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। और इस ऑनियन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपको पसंद है तो आप ढेर सारा इसमें ऐड कर सकते हो। और बच्चे टीवी देख रहे थे, टीवी चालू था यहाँ पे, दोनों का क्रिकेट चल रहा है एक्चुअली शाम के टाइम, और दोनों भाई यहाँ पे देख रहे थे, तो मैं अंदर अपना किचन में काम कर रही थी। दोनों भाई थोड़े टाइम बैठ जाते हैं, देख लेते हैं। ये मैंने बारीक वाला सेब लिया हुआ है, नमकीन वाली बूंदी है, आमचूर पाउडर, ये दही है फेटा हुआ घर का ही, और ये चटनी
हरी धनिया और मिर्ची की चटनी है, और मैंने दही के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी चीनी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और ये पटेटो है बॉईल करके ठंडे हो चुके हैं, इस तरीके से मैश कर लेना है। और इसके अंदर जो हमने ग्रीन चिल्ली, ऑनियन, हरा धनिया ये सब कटिंग किया था वो हमें ऐड कर देना है इसके अंदर। और अच्छे से इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड कर लेना है, ढेर सारा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेना। और सारे मसाले में इसमें ऐड नहीं करने हैं क्योंकि हम यहाँ पे दही पूड़ी बना रहे हैं, तो आप चाहो तो आलू के अंदर और भी सब मसाले ऐड कर सकते हो, बट नहीं, ओनली सॉल्ट से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने ये मार्केट वाला ही पूड़ी ले लिया, इस तरीके से तोड़ लेंगे। आप चाहो तो इन्हें घर पे भी बना सकते हो, बहुत ही इजी है। और मैं इनको इस तरीके से फोड़ के सारे पटेटो इसके अंदर पटेटो ऐड कर दूंगी, ढेर सारा पटेटो ऐड कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। क्योंकि ओनली हमने उसमें सॉल्ट, ग्रीन चिल्ली और जो ऑनियन हमने ऐड किया उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से सारा फिल कर लीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो आप ज़रूर से बनाइएगा, बिलीव मी आपको आपके बच्चों को पसंद आएगा। मैंने आलू भर दिया है, जो मैंने बूंदी लेके रखा था मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो बूंदी को पहले पानी के अंदर भिगो के रख सकते हो, फिर इसमें आप उसको ऐड कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्टली ऐसे ही ऐड किया है, ऐसे भी क्रंची काफ़ी अच्छा लगता है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑनियन ऐड कर दूंगी ऊपर से, जैसे हम बाहर खाते हैं ना दही पूड़ी, सेम वैसा ही बन के रेडी हुआ था, बहुत ही स्वादिष्ट। और इस चटनी में ऐड कर दूंगी ग्रीन चिल्ली और कच्चे मैंगो की चटनी, तो ये स्पाइसी और खट्टी है, तो मैंने इसलिए इमली का चटनी इसमें ऐड नहीं किया था, ये मैंने खट्टा स्पाइसी वाला चटनी इसमें ऐड किया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था दही पूड़ी में। और अभी ढेर सारा दही हमें इसके अंदर ऐड करना है क्योंकि हम यहाँ पे दही पूड़ी बना रहे हैं, तो हमें ज़्यादा दही ऐड करना है। ये दही घर का ही है, मैंने अच्छे से फेंट लिया था इस दही को, इस तरीके से भर देना है दही से, जैसे हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो हमें दही से भर लेना है। और हाँ, दही खट्टा नहीं होना चाहिए वरना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा आपकी दही पूड़ी में। देखिए मैंने दही ऐड कर दिया, अभी बारीक वाला ढेर सारा सेव इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से ढेर सारा ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, लुक एट दिस कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा सॉल्ट भी आप इसमें ऊपर से ऐड कर सकते हो, और फिर से थोड़ा सा दही ऐड करना है। लुक एट दिस, आपकी दही पूड़ी यहाँ पे बन के रेडी होगी, बिल्कुल तैयार, तो आप खाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी ये पहला बाइट आपके लिए। पूड़ी इंजॉय कीजिए, दही पूड़ी बहुत ही स्वादिष्ट थी, ज़रूर से आप बनाइएगा। दही पूड़ी चाट बहुत ही अच्छा बना था, हम लोगों को खाना पीना सब हो चुका है, मैंने ऑलमोस्ट सारा किचन साफ कर दिया, बट थोड़े से बर्तन बचे हुए हैं, ये मैं बाद में वॉश करूँगी। बच्चे इनका बाहर टीवी चल रहा है, क्रिकेट देख रहे हैं दोनों भाई, और बहुत ही स्वादिष्ट था, आप ज़रूर से बनाना। और दही के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा चीनी ऐड किया था, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। आप दही के अंदर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, और ये चाट पूड़ी ज़रूर से बनाइएगा, ये बच्चों को भी पसंद होता है और बड़ों को भी, और मिनटों में बन के रेडी हो जाता है, आप संडे में बना के खा सकते हो संडे को। तो अभी आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड पे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।